यह आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं 16 से 31 मार्च का अंक, जिसकी आवरण कथा मध्यम वर्ग नए भारत का सारथी पर कार्यक्रम के पिछले सप्ताह की कड़ी में आपसे विस्तार से चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य विषयों के बारे में। मन की बात कार्यक्रम को सभी लोगों ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का एक अद्भुत मंच बना दिया है। हर महीने लाखों संदेश के जरिए कितने ही लोगों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है। जिस तरह मन की शक्ति बहुत अधिक होती है, उसी तरह समाज की शक्ति से देश कैसे आगे बढ़ता है, यह मन की बात कार्यक्रम के अलग अलग एपिसोड में देखने और समझने को मिला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के यूपीआई की ताकत सहित कई अन्य मुद्दे पर बात की। मन की बात कार्यक्रम के कुछ अंश पत्रिका में समाहित हैं। व्यक्तित्व की कड़ी में प्रेरणा की पंख बनी कल्पना चावला को लिया गया है। भारत में जन्म लेने वाली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी प्रतीक है जिन्होंने कल्पना से आगे की उड़ान भरी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार अंतरिक्ष की यात्रा की और दिखाया कि भारत की बेटियों के लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ सकती है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरक इतिहास रचने वाली कल्पना चावला ने लोगों में अपने उत्साह और उमंग को बनाए रखने, बेटियों को आगे बढ़ने एवं अकल्पनीय ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में भले ही वह हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं के लिए आज भी मिसाल और प्रेरणा बनी हुई हैं। दुनिया से जाने के बाद भी जिन लोगों को प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, उनमें भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहीं कल्पना चावला का नाम भी शामिल है। इनकी अल्प लेकिन यादगार जीवन यात्रा को आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। वहीं समाचार सार में 5 जानकारी दी गई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इनमें पहली है, विकास के भारतीय मॉडल की दुनिया हो रही है मुरीद। विकास के भारतीय मॉडल को लेकर अब माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने प्रशंसा की है। इसके अलावा 3 से 8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए लॉन्च हुआ जादुई पिटारा प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर बना जादुई पिटारा जिज्ञासा को बढ़ाने और लोगों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य समाचार हैं, खादी क्षेत्र के बुनकरों, कारीगरों, श्रमिकों की आय बढ़ेगी। कारीगरों की मासिक आय में 33% तो बुनकरों की मजदूरी में 10% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वहीं ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा ने हासिल किया 10 करोड़ परामर्श का लक्ष्य और 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। देश और देश के लोगों की बदली सोच और अप्रोच ने न सिर्फ दुनिया को बल्कि भारत की ताकत का एहसास कराया, बल्कि कई मामलों में वैश्विक मंचों पर तारीफ भी हुई। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने भारत की नीति और अप्रोच को अपनाने का भी निर्णय लिया। कोविड महामारी और अन्य वैश्विक चुनौतियों के बीच राष्ट्र ने कैसे आपदा को अवसर में बदला, आने वाले समय में भारत के इस सामर्थ्य की मिसाल दी जाएगी और इस विषय पर अध्ययन किए जाएंगे। आज अगर यह संभव हो पा रहा है तो उसकी वजह है राष्ट्र की सकारात्मक सोच, जिसके दम पर देश आगे बढ़ रहा है। देश ने दुनिया को दिखा दिया कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में दी। वह कहते हैं कि 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत और यहाँ के लोगों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उसकी स्टडी कर 100 वर्ष बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। 2014 में ऐसी स्थिति थी कि लाखों करोड़ों के घोटाले की वजह से देश की साख दांव पर लगी हुई थी। भ्रष्टाचार की वजह से गरीब अपने हक की चीजों के लिए भी तरस रहा था। युवाओं की आकांक्षा परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बलि चढ़ रही थी। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसी सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसी वजह से केंद्र की नई सरकार ने शासन के हर पहलू को फिर से परिभाषित किया और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिख रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट को विस्तार से पत्रिका के इस अंक में पढ़ा जा सकता है।
केंद्र सरकार देश के किसान और नागरिकों को लाभ पहुंचाने एवं उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। इस प्रतिबद्धता की झलक हाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में भी देखने को मिली। इसमें देश के लाखों जूट किसानों के लिए मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया, उससे न सिर्फ किसानों को बल्कि जूट मिलों को भी फायदा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने, गुयाना और भारत के बीच हवाई सेवा समझौता सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिन्हें पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बजट को लेकर कई सुधार किए हैं। संसद में बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी की गई, तो बजट कार्यान्वयन में सुधार के लिए बजट के बाद वेबिनार करने का नया विचार सामने आया। जन भागीदारी की भावना से शुरू यह वेबिनार बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित एवं निर्बाध कार्यान्वयन में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं में से कई विषयों पर फरवरी के महीने में वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद फरवरी के महीने में ही कुल 5 वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित इन वेबिनार को विस्तार से पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत में कर्नाटक की भागीदारी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को एक बार फिर कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। नवंबर से फरवरी के बीच कर्नाटक के लोगों से छठी बार कनेक्ट हुए। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जहां कर्नाटक के शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, वहीं बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी की, जिससे देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिली 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। कर्नाटक दौरे की संपूर्ण जानकारी पत्रिका में सम्मिलित है। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज जब भारत पूरी दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है, तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहे राष्ट्र का बीते 9 वर्षों के दौरान आदिवासी समाज के आर्थिक उत्थान, शिक्षा और सम्मान पर फोकस रहा है। देश के लिए आदि विरासत का अभियान बन चुके आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन किया। आदि महोत्सव जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव है। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सरकार के सभी प्रयासों और आदि महोत्सव की विशेषताओं की जानकारी आपको पत्रिका से मिल सकती है। श्रोताओं, भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। कोविड महामारी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में जरूरी सुधार नहीं होने की वजह से उनके प्रति विश्वास घटा है। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक प्रणालियों के संरक्षक के रूप में अब यह G20 की जिम्मेदारी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विश्वास और विकास को वापस लाएं। G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए गर्व का पल रहा। साथ ही G20 की ओर से मतभेदों को समाप्त करने और वैश्विक महत्व के मामलों पर सहमति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। इसके लिए G20 के सदस्य राष्ट्र और अतिथि सदस्य राष्ट्र भविष्य की कार्रवाई के क्षेत्रों पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को संबोधित किया। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हुई G20 की सभी बैठकों का विस्तृत विवरण पत्रिका में दिया गया है, जिसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। भारत के लिए यह कहावत आम है, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में वाणी। बोली भाषा की विविधता के बीच हिंदी ने अपनी एक विशेष जगह बनाई है। हिंदी ने न सिर्फ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, बल्कि आजादी में एक मुखर और संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हिंदी वैश्विक होती जा रही है और इसे बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्विक एजेंडे को आकार दे रहा नया भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ चलने और नई तकनीक से कदम मिलाने में सक्षम है। इसकी गवाही विश्व भर में हिंदी बोलने वाले 80 करोड़ से अधिक लोग दे रहे हैं। यह केवल भारत के करीब 45% आबादी की भाषा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है।
हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार के लिए 15 से 17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12वें हिंदी सम्मेलन की भारत सरकार के साथ सह मेजबानी कर रहे फिजी में करीब 30% भारतीय मूल के लोग हैं। फिजी में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इससे पहले 11 सम्मेलन भारत के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस में हुए हैं। इस सम्मेलन की विस्तृत जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों से भारत के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दुनिया में भी भरोसे का प्रतीक बन चुका है। वहीं ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और प्रतिबद्धता का दर्शन है। चाहे नेपाल का भूकंप हो या मालदीव संकट, श्रीलंका में संकट हो या फिर कोविड आपदा के समय दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बनना, चाहे अब तुर्की सीरिया में आए भयावह भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाकर मदद के लिए भारतीय बचाव दल का सबसे पहले पहुंचना हो, देश ही नहीं दुनिया में भी जब कभी आपदा आई भारत मानवता के प्रति पहले मददगार के रूप में सामने आया। कुशलता और संवेदनशीलता का परिचय देकर मानवीय चेहरा बने तुर्की सीरिया से लौटे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। आपदा में राहत बचाव कर लौटी भारत की थल सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तुर्की के अपने अनुभवों को साझा किया। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र के मूल मंत्र पर काम करते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां भेजी गई थी। 3 टीम में 152 बचाव कर्मी भेजे गए थे, जिसमें से 5 महिला बचाव कर्मी भी शामिल थी। एनडीआरएफ टीम की मदद से 2 लड़कियों को जीवित बचाया गया, इसमें से एक 6 साल और दूसरी 8 साल की थी। साथ ही बचाव दल ने 85 शवों को बरामद किया। इस टीम के हृदय स्पर्शी अनुभवों को पत्रिका में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। भारत से गए बचाव दल के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आइए उस गौरवमयी संदेश को भी सुनते हैं। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुंचाई गई। जैसे एक्सीडेंट के समय गोल्डन आवर कहते हैं, इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है। सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चुम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से खिलखिला उठी, मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जो कोई अपना सब कुछ गंवाकर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी परिस्थितियों में सेना के हॉस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस संवेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल के कार्यक्रम में बात होगी इस बार के अंक के अमृत महोत्सव और पद्म पुरस्कार श्रृंखला की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV India है, जो वेरिफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।